हाय एवरीबॉडी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में सारा कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। पूरा चैप्टर आ रहा है, पूरा चैप्टर करेंगे टेट्रावेलेंसी से लेके कैटेनेशन से लेके इथेनॉल, इथेनोइक एसिड सब कुछ पढ़ेंगे आज। नोमेनक्लेचर भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। एंड बाय द वे, मेरा नाम शुभम पाठक है, एक बार मैं बता चुकी हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लेक्चर की पीडीएफ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी किसी ऐप पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ आपके नोट्स की तरह काम करेगी। ये मैंने रिसोर्स बुक और एनसीईआरटी मिला के बनाई है, तो यू कैन यूज इट। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को मिलता है, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला जाता है, राइट? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो अलग अलग तरीके की स्ट्रीम है केमिस्ट्री में। नाउ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक अलग स्ट्रीम हमें क्यों बनानी पड़ी, ये तो समझ आता है कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के लिए अलग से हमने केमिस्ट्री की स्ट्रीम क्यों बनाई? हमने इसलिए बनाई बच्चा क्योंकि कार्बन एक बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अकेले इतनी सारी तरीके की कंपाउंड्स बनाता है, सिंगल हैंडेडली इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है जितने बाकी सारे एलिमेंट साथ मिलके भी नहीं बना पा सकते। मतलब कि क्यूमुलेटिवली सारे एलिमेंट जितने कंपाउंड नहीं बनाते उतना अकेला कार्बन बनाता है। कैसे बनाता है, इतना अच्छा इसका गलेबल नेचर क्यों है, ये आगे आगे आपको चैप्टर में समझ आएगा। सो कार्बन की बात करते हैं। ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। देखो दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। बोहर मॉडल आपको पता है, एटम का सबको पता है बोहर मॉडल। उसमें हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बोहर मॉडल में हमने ये भी पढ़ा है कि इसी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना, ऑर्बिट्स में। कि शेल बोलो ऑर्बिट बोलो एक ही बात है। पहले वाली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मैक्सिमम, दूसरी वाली में 8, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्बिट्स में घूमता है, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका न्यूक्लियस में होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली योर एटॉमिक नंबर। एक एलिमेंट के एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो डिसाइड करेगा उसका एटॉमिक नंबर। एंड यूजुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो नंबर ऑफ कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 6, राइट? अब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6। तो पहले वाले शेल में 2 आ गए, लास्ट वाले शेल में आ गए 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 4। तो वैलेंसी हो गई इसकी 4। नाउ कार्बन इसलिए भी स्पेशल है बच्चा क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 6 है। तो इसका मास नंबर क्या होगा? 6 + 6 = 12, राइट? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन इज 6, राइट? अब कार्बन आपको वैसे आपको देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन कार्बन हमारे आसपास हर जगह है। कॉटन कार्बन है, फूड कार्बन है, वुड में कार्बन है, सेलुलोज कार्बन का कंपाउंड है, हमारी बॉडीज के अंदर कार्बन है, रबड़ कार्बन का बना हुआ है। अर्थ के क्रस्ट में सिर्फ 0.02% कार्बन देखने को मिलता है मिनरल्स के फॉर्म में, और हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी ना किसी तरीके से कार्बन से ही बने हुए हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है सारा का सारा कार्बन से ही बना हुआ है। आगे आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे कि इसी डेड और डिकेइंग मैटर से तो आपकी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनता है ना, तो वो भी कार्बन से बने हुए हैं, राइट? सो कार्बन इज द बेसिस ऑफ लाइफ, ये कहना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि कार्बन से ही सारे लिविंग बीइंग्स या लिविंग थिंग्स बने हुए हैं। इट इज एवरीवेयर, पेंसिल की निब से लेके हाथ में पहनने वाले डायमंड तक सब कुछ कार्बन का बना हुआ है। नाउ बॉन्डिंग की बात करते हैं कार्बन में। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 4। तो अब कायदे से देखा जाए तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि मैम वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 हैं तो कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं देता, या 4 और इलेक्ट्रॉन किसी से ले क्यों नहीं लेता ताकि आउटर मोस्ट शेल में इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं होता है। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन देता है ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस फॉर कार्बन। पहली बात तो हम डिस्कस करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन देता क्यों नहीं, क्यों नहीं छोड़ देता वो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऐसा इसलिए बच्चा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है कार्बन के पास 6। अब 6 कार्बन के ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ऐसा भी नहीं है कि कार्बन में बहुत सारे शेल्स हैं, 2 ही शेल है भाई, एक इनर मोस्ट शेल है एक आउटर शेल है, 2 शेल है। अब ये जो 6 प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को काफी टाइटली होल्ड करके रखता है।
अब चार इलेक्ट्रॉन देने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो कार्बन अगर चार इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसको वो चार इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और ये जो छह प्रोटॉन है ये वैसे भी उन चार इलेक्ट्रॉन को काफी टाइटली होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो वो होल्डिंग पावर जो प्रोटॉन्स की है, जो छह प्रोटॉन्स है ये उन चार इलेक्ट्रॉन को काफी होल्ड करके रखते हैं। वो होल्डिंग पावर जो है उसे काटने के लिए बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी, जो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है। तो चार इलेक्ट्रॉन देने का तो सवाल नहीं होता। अब बात ये आती है कि मैम चार इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर लेता ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो भी नहीं होता है। देखो, चार इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो छह रहेंगे भाई, प्रोटॉन का आदान प्रदान तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चार अगर गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, है ना, नेगेटिव चार्ज जो है बढ़ जाएगा। तो कार्बन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना लेगा, अनायन बना लेगा, C4- अनायन बना लेगा, है ना। तब उसके न्यूक्लियस के लिए, जिसमें छह ही प्रोटॉन है, तब उस न्यूक्लियस के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना डिफिकल्ट हो जाएगा। भाई छह प्रोटॉन जो है बड़ी मुश्किल से छह इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके बैठे हैं, लेकिन हम चार और ले लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना टोटल। 10 इलेक्ट्रॉन छह प्रोटॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब छह प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, चार एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पाएगा, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर पा रहा है। तो हमने देखा ना देने के ना लेने की स्थिति कार्बन के साथ बन रही है। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है शेयरिंग, कार्बन करता है शेयरिंग, एंड शेयरिंग इज केयरिंग, तभी तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। और इसी तरीके की शेयरिंग को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी आपने बाकी जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसमें आयनिक बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी थी, इस चैप्टर में आपको कोवलेंट बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग ही शो करता है। देखो, आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन लेता है। फॉर एग्जाम्पल NaOH, NaOH में क्या हो रहा है कि ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो ये आयनिक बॉन्ड है, राइट। सो इस तरीके के कंपाउंड्स में NaCl हो गया, चलो NaOH, तो चलो इसमें OH नेगेटिव था, यहाँ पे दो ही एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, Na और Cl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, है ना। तो सोडियम जो है पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बनाता है, तो ये NaCl इज अ टिपिकल केस ऑफ आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग केमिस्ट्री में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स में काउंट होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत है ना पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन बहुत है। तो आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही डिफिकल्टी होगी उस अट्रैक्शन को काट के दोनों चीजों को स्प्लिट करने की, है ना, उतना ही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो एक कंपाउंड को ताकि वो बॉइल हो जाए या मेल्ट हो जाए, है ना, तो वो बॉन्ड्स को तोड़ेगा तभी तो बॉइल या मेल्ट होगा। तो क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड का। ऑन दी अदर हैंड, कोवलेंट बॉन्डिंग भी ऐसा नहीं है कि कोई खराब होती है, कोवलिंग बॉन्डिंग भी ठीक ठाक स्ट्रांग होती है, लेकिन कोवलिंग बॉन्डिंग में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिन्हें आप वैंडर वॉल फोर्सेस भी बोलते हो, वो थोड़े से वीक होते हैं। इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा आयनिक कंपाउंड के मुकाबले कम ही देखा जाएगा। तो कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, राइट। अब हमें समझ भी आ गया कि कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्ड शो करता है। अच्छा मैम, कार्बन क्या इकलौता ऐसा एटम है या एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्ड शो करता है? नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड शो करते हैं। पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, एक। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें क्या है, एक। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन दे देगा तो हाइड्रोजन तो एटम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता दुनिया में ये एटम एग्जिस्ट ही ना करे, क्योंकि एटम तो अपनी स्टेबिलिटी चाहेगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एटमॉस्फेयर में H2 गैस की तरह एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। डाई एटॉमिक का मतलब दो मॉलिक्यूल, है ना, दो दो एटम्स जुड़ के जो मॉलिक्यूल बनाते हो उसे डाई एटॉमिक बोलते हो। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है इस तरीके का, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, कोवलेंट बॉन्डिंग शो करेगा। एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है, पहले वाले ने मान लो क्रॉस दिया, दूसरे वाले ने बी क्रॉस दिया, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे। इस तरीके के दिखेगा आपको कोवलेंट बॉन्डिंग इन H2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट N2, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7,
सात का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो और पांच, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, तीन चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि NH3 बनता नहीं है, NH3, NH4, अमोनिया वगैरह देखने को हमें मिलता है, लेकिन हम यहाँ N2 की बात कर रहे हैं, तो तीन और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो N2 में क्या होता है कि ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। कैसे बनेगा ये कोवलेंट बॉन्डिंग इन N2, कैसे दिखाओगे आप? एक नाइट्रोजन एटम, दूसरा नाइट्रोजन एटम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, तीन तीन इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने शेयर कर दिए ताकि ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं जो है आपका CH4। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही है। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार। उसे चार बार शेयरिंग करनी पड़ेगी। चार बार शेयरिंग वो किससे कर रहा है, चार हाइड्रोजन एटम से कर रहा है। तो कैसे बनेगा ये, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है बाय द वे, जिसे आप लुई स्ट्रक्चर भी बोलते हो। ये हो गया कार्बन का एटम, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहां दिखा दिया, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहां दिखा दिया, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहां दिखा दिया, एक हाइड्रोजन एटम हमने यहां दिखा दिया। एक काम करते हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इजी रहेगा। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 4। अब हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया भाई यहाँ पे, ये एटम्स जो है हाइड्रोजन के ही तो थे। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन एक ही है भाई इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है। तो कोवलेंट बॉन्डिंग इन CH4 यू कैन शो लाइक दिस। बच्चा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आए पेपर में तो हमेशा ये वाला बनाना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब कि क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि डॉट वाला स्ट्रक्चर बोलो, जैसे लुई स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि वो लाइंस वाला ना बना के आओ, डॉट वाला बना के आओ अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो। नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट कार्बन। सबसे पहले हम एक बार प्रीकैप कर लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों कितने हैं, 6 6 6 हैं। कार्बन जो है कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है, कोवलेंट बॉन्डिंग आयनिक बॉन्डिंग के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने पढ़ लिया। अब एलोट्रॉप्स क्या होते हैं बच्चा, एलोट्रॉप कुछ एलिमेंट्स की ऐसी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो एक ही तरीके से नहीं एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में, कुछ एलिमेंट्स अलग 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 फिजिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं सेम ही एलिमेंट के, इसे आप बोलते हो एलोट्रॉप। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो डेफिनेशन में ही है एलोट्रॉपिज्म के, कि फिजिकल स्ट्रक्चर जो है इनका डिफर करेगा। तो क्या मैम केमिकल स्ट्रक्चर भी डिफर करेगा, नहीं, बने तो ये सेम ही एलिमेंट से हुए हैं तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मोर और लेस सेम रहती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं क्योंकि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है डिफर करता है। अब कार्बन के एलोट्रॉप्स और भी हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है कार्बन के एलोट्रॉप्स वो हैं, एक सेकेंड, वो है डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। पहले हम डायमंड करते हैं फिर ग्रेफाइट और बकमिंस्टर पे आएंगे। डायमंड आपको पता ही है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है याद रखना, लेकिन एक चीज है जो कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, कंडक्ट्स हीट। किससे बना हुआ है डायमंड, डायमंड कार्बन से बना हुआ है। कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे तो क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो डायमंड को बर्न करने के लिए डेफिनेटली टेम्परेचर आपको बहुत हाई चाहिए होगा, क्योंकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन उसको भी बर्न करोगे तो मिलेगा आपको CO2 ही, राइट। जैसे ग्रेफाइट को करोगे तो भी CO2 मिलेगा, बकमिंस्टर को करोगे तो भी CO2 ही मिलेगा, बकमिंस्टर फुलरेन, राइट। अब डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, डायमंड की हार्डनेस इतनी क्यों होती है, हार्डेस्ट सब्सटेंस क्यों है, पता है कितने सारी जो माइनिंग की जो मशीन्स होती है ना, जो पत्थर तोड़ने की मशीन होती है उसमें भी डायमंड यूज किया जाता है। तो डायमंड डेफिनेटली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्यों है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से। डायमंड का जो स्ट्रक्चर है बच्चा, ये टेट्राहेड्रन 3D स्ट्रक्चर होता है, इसमें हर एक कार्बन एटम चार कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है, और ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 2D नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, 3D स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज व्हाई इस टेट्राहेड्रन 3D स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड बहुत हार्ड हो जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट इतना हार्ड नहीं होता, ग्रेफाइट जो है आपका ग्रेश कलर का होता है या ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ग्रेश ब्लैक कलर का, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, डायमंड से हल्का होता है। डायमंड का तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत ज्यादा है और डायमंड की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, वेरी डेंस,
अरे इतना कॉम्पैक्टली बना हुआ है, इतना कॉम्पैक्टली यहाँ पे एटम्स अरेंज्ड हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो ज्यादा होगी, है ना। ऑन दी अदर हैंड ग्रेफाइट जो है इतना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं होता है, इसलिए इसकी डेंसिटी जो है कम होती है, डायमंड से हल्का होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। इसकी इसी खासियत की वजह से इसे पेंसिल में निब बनाने के लिए यूज किया जाता है। पेंसिल में जो लेड जलता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट स्लिपरी होता है। अब मैम स्लिपरी क्यों होता है? स्लिपरी इसलिए होता है क्योंकि इसका 2D स्ट्रक्चर होता है। इसमें हर एक कार्बन एटम बच्चा 3 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ होता है। इस तरीके के 2D स्ट्रक्चर में होता है। और हर एक मतलब ग्रेफाइट को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सैकड़ों शीट्स हैं, और उन शीट्स के बीच में जो आपका वैंडरवॉल फोर्सेस होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है उन उन शीट्स के बीच में, वो बहुत कम होता है। तो हम जब लिखते हैं पेंसिल से, तो जब हम लिखते हैं, हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तब वो ग्लाइड कर जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इन शीट्स के बीच का जो फोर्सेस है वो बहुत ही कम है। ऐसे हेक्सागोनल एरेज में एक प्लेन में एक शीट होती है और शीट्स के बीच में फोर्सेस कम होते हैं। तो ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम इन द सेम प्लेन, वन ऑफ इट इज अ डबल बॉन्ड डेफिनेटली, टेट्रावेलेंसी, तो मतलब 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसे तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। ग्रेफाइट में एक खासियत होती है कि इसमें एक लोकलाइज डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है, तो एक डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल में। वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करने के लिए फ्री होता है। अच्छा, हम फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। जब वोल्टेज के बीच में आप किसी कंडक्टर को लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें। अब वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना तो जरूरी है ना कंडक्टर्स के अंदर। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ दिस डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन दैट कैन शिफ्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर एंड कैन डेफिनेटली कैरी करंट, कैन प्रोड्यूस करंट, ठीक है। देन थर्ड इज योर फुलरीन, जिसे बकमिंस्टर फुलरीन भी बोला जाता है, इसके जिन्होंने इसे खोज की थी उनके साइंटिस्ट के नाम पे। ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है, डार्क सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ग्रेफाइट की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डायमंड की तरह हार्ड भी नहीं होता है, समथिंग इन द मिडल। डेंसिटी भी जो इसकी है मिडल में ही आती है। इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा ही अजीबो गरीब होता है, जैसे आप फुटबॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हो। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम C60 से। इसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं बच्चा और 12 पेंटागन होते हैं। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, इसे याद कर लो, क्योंकि बकमिंस्टर फुलरीन बहुत ही हाई लेवल की स्टडीज में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो जस्ट लर्न इट दैट बकमिंस्टर के नाम पे इसका नाम पड़ा है, C60 इसका फॉर्मुला है। 20 हेक्सागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं, फुटबॉल स्ट्रक्चर होता है। पेपर में बनाने को कभी नहीं आएगा, हो सकता है कि ऐसे पूछ लिया जाए, कि ये फोटो देके पूछ लिया जाए कि ये कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। तो चिंता मत करो अगर आपसे ये फुटबॉल स्ट्रक्चर नहीं बन पाता है तो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, इट इज ओके। सो दीज वर द 3 एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। तो हमने देखा कि कार्बन के एलोट्रॉप्स भी इतने सारे हैं, और कार्बन हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं कि कार्बन बड़ा ही गलेबल तरीके का एलिमेंट है। गलेबल मतलब कि बहुत ही मिलनसार है, सबसे मिलता रहता है और मिल मिल के इतने कंपाउंड्स बनाता है कि इसके नाम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना दी गई है, राइट। ऐसा इसकी 2 प्रॉपर्टीज की वजह है। एक प्रॉपर्टी तो हम अभी तक पढ़ते हुए आ भी गए हैं, जो वैलेंसी वाली प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी है जिसे कैटेनेशन बोला जाता है। तो देर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एज एन एलिमेंट दैट गिव अ वर्सटाइल नेचर टू द कार्बन। वन इज कैटेनेशन, वन इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी इज नथिंग बट 4 जिस एलिमेंट की वैलेंसी 4 होती है उसे टेट्रावेलेंट बोलते हैं। एक है तो मोनोवेलेंट, 2 है तो डाईवेलेंट, है ना, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट, इसी तरीके से। केटेनेशन की बात करते हैं। केटेनेशन क्या होता है? देखो, कार्बन ऐसा नहीं है कि बाकी हाइड्रोजन के साथ मिलता है, या यूनोसल्फर के साथ मिलता है, या ऑक्सीजन के साथ मिलता है और अपने साथ नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। केटेनेशन की प्रॉपर्टी जो है कार्बन की, वो ये बोलती है कि कार्बन खुद के साथ मिलके भी, सेल्फ लिंकिंग करके भी, बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाता है, बहुत ही लंबी लंबी, छोटी से छोटी, लंबी से लंबी। इस प्रॉपर्टी को केटेनेशन बोलते हो। सो द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एलिमेंट, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज नोन एज कैटेनेशन। तो मतलब कितने सारे कंपाउंड्स बनते रहेंगे ना, एक लगा, एक कार्बन है तो कंपाउंड का नेम कुछ अलग होगा, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, और ऐसे लंबी लंबी चेन्स बनती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि चेन्स ही बनेंगी, ओपन चेन भी बनती है, जैसे आप अनब्रांच चेन बोलते हो, ब्रांच चेन भी बनती है जो यहाँ पे मैंने फोटो में दिखाई हुई है, आगे हम और पढ़ेंगे। रिंग स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। तो अपने साथ लिंक कर करके ये अलग 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 तरीके के कंपाउंड्स बनाता रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी
अच्छा कैटेनेशन के ऊपर एक और है क्या? हाँ चलो ये वाला यहीं पे करा देते हैं, मैंने सोचा बाद में कराएंगे। सिलिकन, सिलिकन भी एक ऐसा एलिमेंट है बच्चा जो हाइड्रोजन के साथ 7-8 नंबर तक चेन बना लेता है, लेकिन ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, और रिएक्टिव कंपाउंड्स केमिस्ट्री में स्टेबल नहीं कहलाते हैं। कार्बन कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है और ज्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन सिलिकन जैसे जब कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिलिकन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा है, तो कार्बन की जो बॉन्डिंग है वो उसके छोटे साइज की वजह से काफी स्ट्रांग होती है, स्मॉल साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्डिंग होती है। सिलिकन के बड़े साइज की वजह से उसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, और उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टीज वाले कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। नाउ व्हेन कार्बन एटम्स कंबाइंड विद वन अनदर, थ्री टाइप्स ऑफ चेन्स आर फॉर्म। तीन तरीके की चेन्स बना सकते हैं कार्बन। एक है स्ट्रेट चेन जिसे अनब्रांच बोलते हो, एक है ब्रांच चेन, एक है क्लोज चेन। क्लोज चेन का एक और नाम होता है रिंग स्ट्रक्चर, एक और नाम होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। आगे आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी, मतलब कि चार वैलेंसी जो है कार्बन की, उसकी वजह से कार्बन जो है खुद के साथ भी लिंक करता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ भी कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ भी करता है, सल्फर के साथ भी करता है, क्लोरीन के साथ भी करता है, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ कार्बन अपनी टेट्रावेलेंसी की वजह से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंपाउंड्स बना लेता है। और इतने कंपाउंड्स बनते हैं, इतने कंपाउंड्स बनते हैं कि हमारे पास डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री है इसके। Now, let's come to the main topic. अब यहां से जो हम कार्बन की प्रॉपर्टीज पढ़नी थी, एलोट्रॉप्स पढ़ने थे, वो पढ़ चुके हैं। आगे आगे हम पढ़ेंगे एल्केन, अल्कीन, अल्काइन। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर कैसे होता है कार्बन कंपाउंड्स का। फिर हम देखेंगे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। कार्बन की भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम जो है सपोनिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट जो है चैप्टर का, एक अध्याय जो है खत्म हो गया है, पार्ट टू पे चलते हैं जहां पे हम कार्बन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं फुल स्क्रीन जा रही हूँ बच्चा। देखो पहले क्या है ना, पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सिर्फ लिविंग थिंग्स से ही डिराइव किया जा सकता है। ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से ही बनेंगे, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी दुनिया में एग्जिस्ट करती थी, और वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि यार ऑर्गेनिक थिंग्स के अंदर ही वो वाइटल फोर्स होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकता है। फिर आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रीडरिच वोलर। इन्होंने 1828 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर दिया कि आप जो है लेबोरेटरी में भी बना सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि इन्होंने अमोनियम साइनेट, जो कि कोई लिविंग मैटर नहीं है, अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इन्होंने यूरिया बना दिया, एंड यूरिया इज डेफिनेटली एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई कि आप सिर्फ लिविंग थिंग से ही बना सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि हमने तो बना दिया, इनऑर्गेनिक से बना दिया, राइट? सो ऐसे कंपाउंड्स को जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तब से ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाने लग गया। नहीं, उससे पहले भी बोलते ही थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है लो होता है। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, ग्रेफाइट देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, आपको लिविंग थिंग्स में देखने को मिलता है कार्बन, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो, हम सबकी बॉडी जो है कार्बन से ही बनी हुई है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक डिफरेंट सेक्शन होता है कंपाउंड्स का, जिन्हें आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हो गए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं उन्हें आप बोलते हो हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ही दिख रहा है ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। अब आपको लगेगा मैम कितने होंगे ना हाइड्रोकार्बन्स, नहीं इतने सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं कि हाइड्रोकार्बन्स को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए लोग अलग से मास्टर्स करते हैं, कि जिसमें सिर्फ वो पीएचडी करते हैं, जिसमें सिर्फ वो हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी कर रहे होते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टू स्टडी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज योर क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, जो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, है ना, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आगे हम पढ़ेंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, समुद्र के अंदर जब लिविंग मैटर अटक जाता है पत्थरों वगैरह में, वहां पेट्रोलियम बन के निकलता है, उससे पहले नेचुरल गैस निकलती है। ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, इसमें भी पढ़ोगे आगे। एनीवे हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फॉर्मड बाय ओनली टू एटम्स या टू एलिमेंट्स व्हिच आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। फॉर एग्जांपल सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन की बात करें तो मीथेन। अब हाइड्रोकार्बन फर्दर दो तरीके के होते हैं। हाइड्रोकार्बन या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तब वो सैचुरेटेड कहलाएंगे। लिख दो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड,
अगर किसी कंपाउंड में कार्बन 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 के बीच में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड होते हैं जिसमें एक भी अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल गया या एक भी ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल गया तो आप उसे अनसैचुरेटेड बोल दोगे। सो द हाइड्रोकार्बन दैट हैव डबल और सिंगल बॉन्ड और सॉरी ट्रिपल बॉन्ड उन्हें आप बोलते हो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ यहां पे मैं सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का खेला बता रही हूं, उससे पहले हमें ना दो चीजें पता होनी चाहिए। एक है बच्चा बॉन्ड लेंथ एक है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि पेपर में डेफिनेशन ही उठ के आ जाएगी बट पता रहेगा, कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? देखो डिस्टेंस जो होता है ना एक मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियाई के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है आपका अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी एनर्जी आपको चाहिए टू ब्रेक अ बॉन्ड। अब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस, लकड़ी जब लंबी होती है, जब आप एक लंबी सी छड़ी लेके खड़े हो, छड़ी नहीं लंबी सी ब्रांच लेके, सूखी ब्रांच लेके खड़े हो, उसे तोड़ना आसान है, उसे तोड़ना आसान है। छोटी छोटी ब्रांचेस का गट्ठर बना के मैंने आपको दे दिया, उसे तोड़ना डिफिकल्ट है। या छोटी ब्रांच दे दी, बहुत ही छोटी ब्रांच दे दी कि इसे तोड़ के दिखाओ, उसे तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। लंबी ब्रांच है, पतली सी है, उसको तोड़ना आसान है। या फिर चलो एक और लॉजिक लगाते हैं, आपने और आपके दोस्त ने एक धागा पकड़ के रखा हुआ है, वो धागा आपने वो दोस्त को बोला तू पीछे जा पीछे जा पीछे जा, धागा इनफाइनाइट है, और अब वो पीछे चला गया, उसे तोड़ना आसान है। लेकिन अगर आपने दोस्त के साथ धागा बिल्कुल इतने इतने डिस्टेंस पे पकड़ के रखा हुआ है, उसे तोड़ना फिर भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट? सिमिलरली बॉन्ड की जो लेंथ है, यानी कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, जब बॉन्ड की लेंथ जितनी ज्यादा होगी बच्चा, उतना ही उस बॉन्ड को तोड़ना जो है आसान होगा, है ना? उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ऑन द अदर हैंड बॉन्ड की लेंथ जितनी कम होगी, जितनी कम होगी मतलब कि उतना अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में, मतलब कि उतना अच्छा बॉन्ड है दो एटम्स के बीच में, तभी तो बॉन्ड ले, तभी तो चिपक के बैठे ना, बॉन्ड लेंथ जो है उनकी कम है, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो बॉन्ड की एनर्जी जो है एक तरीके से बॉन्ड लेंथ पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड जरूर करती है। अब देखते हैं सिंगल बॉन्ड के केस में, डबल बॉन्ड के केस में और ट्रिपल बॉन्ड के केस में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होता है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इस पे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा बट आई थॉट यू शुड नो। यहां पे लिख देते हैं सिंगल बॉन्ड, यहां पे लिख रही हूं मैं डबल बॉन्ड, यहां पे लिख रही हूं मैं ट्रिपल बॉन्ड, राइट? सिंगल बॉन्ड यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाता है, टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। डबल बॉन्ड बनता है तो फोर इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर, ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर। भाई छह इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी ज्यादा होगी? बॉन्ड लेंथ होता है मतलब अच्छा बॉन्ड बनेगा ना, तगड़ा बॉन्ड बनेगा, छह इलेक्ट्रॉन हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है सबसे कम होती है, लीस्ट बॉन्ड लेंथ। यहां पे भी चार इलेक्ट्रॉन तो कम से कम शेयर कर ही रहे ना, तो यहां पे मॉडरेट बॉन्ड लेंथ। यहां पे जो है हम दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो बॉन्ड जो इतना पक्का तो बन नहीं रहा है, तो यहां पे होगी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, मोस्ट लिख रही हूं बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड में जो है सबसे कम है, तो यानी कि बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सबसे कम बॉन्ड लेते हैं, चिपक चिपक के एटम्स पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है छह इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं, एटम्स जो चिपके हुए हैं, राइट, ऑलमोस्ट चिपके हुए हैं, तो
तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा लगेगी, यानी कि मोस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मोस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड लिख रही हूं बच्चा क्योंकि जगह उतनी ही है, समझ जाना। यहाँ पे मॉडरेट एनर्जी चाहिए, और यहां पे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, इजीली टूट जाता है बॉन्ड। राइट, सो दिस इज द केस ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब ये पढ़ना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक प्यारा सा नाम होता है क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कोई सब डिविजन नहीं है। अनसैचुरेटेड में तो डबल बॉन्ड वाले अलग है, ट्रिपल बॉन्ड वाले अलग है। सैचुरेटेड में एक ही केस है जिसे बोलते हो आप एल्केन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो नोन एज अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चा CnH2n+2, जिसमें n डिनोट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी कि मान लो हमें सिंपलेस्ट अल्केन बनाना है, तो सिंपलेस्ट अल्केन कैसे बनेगा, आपने एक कार्बन लिया, 2n कितना होता है, 2 एक ही कार्बन है, तो 2 into 1 मैथ इतनी कमजोर है, सोचना पड़ रहा है। 2 into 1 2+2 यानी कि 4, तो CH4 बन गया सिंपलेस्ट मीथेन। इसको आपने मीथ मीथ बोल दिया, वो भी मैं आगे बताती हूँ मीथेन ही क्यों बोला, ब्यूटेन क्यों नहीं बोला। देन दो कार्बन है यानी कि C2H कितना हुआ, 2 into 2+2 यानी कि C2H6। तीन कार्बन है तो C3H8, चार है तो C4H10, पांच है तो C5H12। फिर से कर देती हूँ, C5H होगा 5 into 2+2। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं आपके अल्केन। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड है खुश हैं आपस में तो रिएक्टिव नहीं होते हैं, जो खुश नहीं होते हैं ना एटम्स, जो स्टेबल नहीं होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो सैचुरेटेड और नॉट वेरी रिएक्टिव। बच्चा जब एक होता है तो मेथ लगाते हैं, एक कार्बन एटम होता है तो मेथ वर्ड लगता है। देन दो होते हैं तो एथ लगता है, तीन होते हैं तो प्रोप लगता है, चार होते हैं तो ब्यूट लगता है। अभी तक आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर कई बार, आपको पता ही होगा। यहाँ पे पेंटेन होता है, ये आर नहीं आएगा, पेंट लगता है अगर पांच होते हैं तो, हेक्स लगता है छह होते हैं तो, सात होता है तो सेप्ट लगता है, ऑक्ट लगता है, इस तरीके से होते हैं। तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि इसमें एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ, ठीक है। किसका बनाऊं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन का बनाते हैं। इथेन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वैलेंसी तो कार्बन की चार है, तो चलो जी हमने यहां पे भी ये लगा दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अब पेंटेन बनाते हैं, पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। पेंटेन कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जहां मैं ये लाइन लगा रही हूँ ना वहीं पे अगर आप डॉट लगा दोगे, सिंगल बॉन्ड है तो कितनी डॉट्स आएंगे, दो डॉट्स आएंगे ना, दो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा नहीं अच्छे से क्योंकि डॉट्स अच्छे से दिख नहीं पाती है, इसलिए मैं ये वाला बना के दिखा रहा हूँ। आगे मैं बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ, C5H12। नेक्स्ट इज योर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एल्कीन। एल्कीन वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड। एक होती है एल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्काइन, एल्काइन में जो है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड वाले दो तरीके के होते हैं। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, सिंपल CnH2n। यानी कि अगर C1 है तो H कितना होगा, अच्छा C1 नहीं हो सकता इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है तो कार्बन एक और तो हमें चाहिए ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पे C2 तो होना जरूरी ही जरूरी है, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तभी आप एल्कीन बनते हो, तो दो कार्बन होने तो मिनिमम जरूरी ही है। तो C2H4, C3H6, C4H8, और ये कैसे बनता है, ये आगे ईन लग जाता है बच्चा, क्या लग जाता है, ईन। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इथीन आएगा, प्रोपेन नहीं आएगा, प्रोपीन आएगा,
यहाँ पे आएगा ब्यूटीन. सो दीज आर योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बट एल्कीन. नाउ अल्काइन्स जो होते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा. यहाँ पे भी मेथ तो नहीं बनेगा, मिथाइन नहीं बन सकता. जैसे मिथेन बन गया था वैसे मिथीन या मिथाइन नहीं बन सकता, क्योंकि आपको कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है तो मिनिमम दो होने जरूरी है. तो स्टार्टिंग किससे होता है? इथीन या इथाइन से. ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, यानी कि अगर C2 है तो H2, C3 है तो H4, C4 है तो लगा लो खुद करके देखो ना, 2 × 4 − 2 यानी कि 8 − 2 यानी कि 6, तो C4H6. इसको कैसे लिखते हो? आगे आइन लग जाता है, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन. ये रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्टिव होते हैं, सैचुरेटेड वाले इतने रिएक्टिव नहीं होते हैं. इनका भी मैं बना के दिखा देती हूँ आपका स्ट्रक्चर, दोनों का ही दिखा देती हूँ. एक प्रोपीन का दिखा देती हूँ, एक दिखा देती हूँ इथाइन का. प्रोपीन यहीं पे दिखा देती हूँ. हाँ, C3 H डबल बॉन्ड दिखाना है, यहां डबल बॉन्ड दिखा दिया हमने. इसकी वैलेंसी दो तो सेटिस्फाई हो गई, दो ही हाइड्रोजन लगेंगे इस पे, चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई. कितने हो गए हमारे पास हाइड्रोजन? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. ओ गड़बड़ कैसे हो गई? अच्छा ये नहीं लगेगा ना, इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाई हो ही रही है, तो ये कैसे बनेगा? ऐसे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. नेक्स्ट दिखा देती हूं यहां पे ब्यूटाइन. ब्यूटाइन दिखा दें, C4 ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, एल्काइन है यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया. इस कार्बन की तो वैलेंसी 3 सेटिस्फाई हो गई है, एक और लगेगा यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया. इस वाले सेकंड वाले कार्बन का देखो क्या है, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है. थर्ड वाले कार्बन पे देखो क्या है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, तो इधर नीचे भी लग जाएगा हाइड्रोजन, ऊपर भी लग जाएगा हाइड्रोजन. चौथे वाले का देखो, 1 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. अब काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. फॉर्मूला क्या है? C4H6. अगर यहीं पे मैंने लाइंस की जगह डॉट्स लगा दी होती तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैंने पूरा टेबल दे दिया है एल्केन्स और एल्काइन्स का. एक इसमें फॉर्मूला गलत है तो वो मैं फॉर्मूला ठीक कर देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर दे दिया है, यहाँ पे बता दिया है कि एन से लगता है, ये ईन से एंड होता है, ये आयन से एंड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, इसमें एक तो डबल बॉन्ड होता ही होता है कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें एक तो ट्रिपल बॉन्ड होता ही होता है. ये भी अनसैचुरेटेड है, एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड है. एल्केन ऑन दी अदर हैंड जो है सैचुरेटेड है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, सबसे ज्यादा. एल्कीन में उससे कम, एल्काइन में उससे कम. राइट, नाउ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के हम देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का. दोनों का देखेंगे हम, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का भी देखेंगे. पहले हम सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड ब्रांच स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ब्रांच या अनब्रांच में. तो इसके क्या रूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता कैसे है? अगर हम रूल्स याद कर लेंगे ना तो हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखो सबसे पहले तो है, तीन स्टेप्स होते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाने के, तीन स्टेप में बनता है. पहला स्टेप है सारे कार्बन एटम को, जितने भी कार्बन एटम है, आपको ब्यूटाइन दे रखा है तो आपको पता है 4 कार्बन एटम होंगे, आपको पेंटीन दे रखा है आपको पता है 5 कार्बन एटम होंगे. पहले सारे कार्बन एटम को साथ में मिलाना है सिर्फ सिंगल बॉन्ड से. दूसरा स्टेप होता है कि हाइड्रोजन एटम लगाओ, यूज हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है भाई, हाइड्रोजन एटम्स ही तो होंगे, तो
किस लिए लगाओगे हाइड्रोजन एटम? सेटिस्फाई करने के लिए, वैलेंसी, कार्बन की रिमेनिंग वैलेंसी, कार्बन रिमेनिंग वैलेंसी, ये हो गया स्टेप नंबर टू। अब भी अगर कोई कार्बन अनसेटिस्फाई बच गया, इफ नंबर ऑफ जितने आपके पास हाइड्रोजन एटम दिए थे कंपाउंड में, अगर वो कम पड़ गए, तब, सिर्फ तभी कार्बन की, और सारे कार्बन की हो सकता है कि जरूरत भी ना पड़े, एक आधा कार्बन होगा जिसकी जो रिमेनिंग वैलेंसी है उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हम चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, C2H4। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, दो कार्बन है हमारे पास, कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड से लगा दिया, हाइड्रोजन हमारे पास चार है, चलो चार हाइड्रोजन लगा के देखते हैं, इस पे एक लगा दिया, इस पे एक लगा दिया, इस पे एक लगा दिया और इस पे एक लगा दिया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं, कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तीन ही यहाँ पे बन रहे हैं बॉन्ड्स, कार्बन की तो टेट्रा वैलेंसी है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, राइट। इस तरीके से एक और करते हैं, C2H2 करते हैं, C2H2। सबसे पहला स्टेप, कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट किया, फिर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं फॉर्मूले में, दो, एक हाइड्रोजन इसको लगा दिया, एक हाइड्रोजन इसको लगा दिया, कार्बन की वैलेंसी तो बच गई, कार्बन के अभी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन और बच गए, उन्हें भी शेयर करेंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, दिस विल बी योर इथाइन। तो ऐसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, नेक्स्ट, चलो इसके एक और दो तीन एग्जाम्पल और करा देती हूँ, एक आधा और। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला था मैं बना के दिखाऊंगी, वो बना देती हूँ, C2H4 का ही बना देती हूँ। एक कार्बन एटम, दो कार्बन एटम, शेयरिंग की इन्होंने, राइट, बन गया ये डबल बॉन्ड, चार कार्बन है, और सॉरी चार हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, बना दो यहां पे, एक क्रॉस बना रही हूं मैं, क्योंकि हाइड्रोजन वाला क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रही हूं, आप सिर्फ डॉट भी लगा सकते हो, ऐसे क्रॉस लगा के आने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। एक और बनाए, सिंपल वाला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे सर्कल वाला नहीं, मैं बना रही हूं, आप सोचो कि ये कौन सा कंपाउंड होगा, कितने कार्बन एटम है, तीन, तो तीन के लिए क्या लगता है, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है मुझे, डबल बॉन्ड तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये क्या होगा, एन, प्रोपेन है ये, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H2N+2, तो C3H8, क्या आठ हमारे पास हाइड्रोजन है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ये प्रोपेन था। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर। सबसे पहला स्टेप होता है, कनेक्ट ऑल कार्बन एटम्स, बाय सिंगल बॉन्ड, बट क्योंकि हम साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में करना है, इन साइक्लिक फॉर्म। दूसरा, सैटिस्फाई दी कार्बन वैलेंसी विद अवेलेबल हाइड्रोजन, तीसरा अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स, बाय चांस अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स कम पड़ गए, देन यूज
डबल और ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंगली। नहीं आया समझ, रुको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लो हेक्सेन, बच्चा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnCnH2n। तो अगर साइक्लोहेक्सेन में बोल रही हूं तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C6H12। अब पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। स्टेप वन कह रहा है हमें कनेक्ट ऑल द कार्बन इन अ साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में कैसे करेंगे, हमें हेक्सागन बनाना पड़ेगा, एक दो तीन चार पांच छह, ठीक है स्टेप वन हो गया। स्टेप टू कह रहा है कि कार्बन की वैलेंसी जो है हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, चलो सब पे दो दो लगा देते हैं। कार्बन की तो वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाई होती दिख रही है, यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, राइट। ये तो सिंपल हो गया। अभी एक और डिफिकल्ट सा करते हैं, बेंजीन करते हैं। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। स्टेप नंबर वन कहता है कि पहले कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से साइक्लिक फॉर्म में कनेक्ट कर लो, ठीक है, फिर से बनेगा हमारा क्या, हेक्सागन। मैं लिटरल बना रही हूं, हॉरिजॉन्टल आप वर्टिकल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6, चलो सब पे एक एक लगा देते हैं। कार्बन की वैलेंसी क्या सेटिस्फाई हो गए, नहीं, अब तो डबल बॉन्ड शायद लगाना पड़े। डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगाया, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, राइट। यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। यहां पे डबल बॉन्ड लगाया, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब सारे कार्बन की वैलेंसी हो गई सेटिस्फाई, अब बनाया बेंजीन। तो इस तरीके से आपको बनाना है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, बेंजीन का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देती हूँ, एक आधा और बता देती हूँ। बेंजीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अब मैं वर्टिकली बना रही हूँ। पहले सिंगल बॉन्ड दिखा दिया, पहले सब में सिंगल बॉन्ड बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डबल बॉन्ड बना दिया अल्टरनेट, अब हमने यहां पे हाइड्रोजन लगा दिया। ओह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट से लगाना है भाई, डॉट से। एक और कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं साइक्लोप्रोपेन कर लेते हैं। साइक्लोप्रोपेन, चलो साइक्लो ब्यूटेन आप ले लो, साइक्लो ब्यूटेन और पेंटेन आप ले लो होमवर्क में। साइक्लोप्रोपेन मैं करके दिखाती हूं। प्रोपेन, प्रो यानी कितने कार्बन आइटम, 3, साइक्लिक फॉर्म में लगाएंगे, 3 ट्राइंगल बनेगा, राइट। कितने होंगे हाइड्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होने चाहिए क्योंकि एन है। ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, दिस इज साइक्लोप्रोपेन, दैट इज बेंजीन। नाउ होमवर्क के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में दे रही हूं साइक्लोपेंटेन का, ब्यूटेन का भी प्लीज लगा लेना, और मुझे जब बन जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमने बना लिया है। एक सेकेंड, माइक ही गिर गया। ठीक है चलो आगे चलते हैं, आइसोमर्स की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं। अब आइसोमर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान होते रहते हैं, इतना इजी कॉन्सेप्ट है, आज के बाद बोलोगे अरे इस पे परेशान हो रहे थे क्या। देखो कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कि उनका फॉर्मूला सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक तरीके से सिमिलर कह सकते हो आप। नहीं, इनका केमिकल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला सेम रहता है लेकिन इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, इसी को आप बोलते हो आइसोमर्स।
इनका स्ट्रक्चर डिफर करता है, तो इन्हें कभी कभी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोला जाता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, पेपर में आइसोमर्स आए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आए सेम ही बात है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हेंस डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज योर आइसोमर्स। दोज कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स। अब हम ब्यूटेन का आइसोमर बना के देखते हैं। एक तो होता है ब्यूटेन का सिंपल, जो अभी हमने बनाया था पहले ना, चार हमने ये लगाए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये तो हो गया सिंपल ब्यूटेन। अब इसका एक और आइसोमर्स पॉसिबल है क्या? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। सेकेंड वाले, पहले वाले पे कभी नहीं लगता, सेकेंड पे चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, सेकेंड वाले पे आपने लगा दिया एक कार्बन एटम। ओ ब्यूटेन था ना ये, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, चार ही तो होंगे। राइट, दीज आर द टू आइसोमर्स पॉसिबल इन ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन के केस में दो आइसोमर पॉसिबल है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके केस में दो आइसोमर्स पॉसिबल हो। आइसोमर्स ऑब्वियसली स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। ये नाम से भी आ जाते हैं कि दो आइसोमर बना दो ब्यूटेन के, तो ब्यूटेन काफी फेमस है, एनसीईआरटी में भी है, इसलिए मैं नाम भी बता देती हूँ। ये जो नॉर्मल वाला है दिस इज एन ब्यूटेन, दिस इज आइसो ब्यूटेन। एक और करते हैं, एक और यहीं पे कर लेते हैं। हेक्सेन का करते हैं, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे बच्चा? पहला तो बन गया सिंपल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हेक्स है ना, एक एच दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, आई फॉरगॉट द काउंट बट मैं वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही हूँ, तो ये बन गया। एक ये भी तो पॉसिबल है सिंपल, जैसे हमने ब्यूटेन का आइसो ब्यूटेन बनाया था वैसे सिंपल ये वाला भी तो पॉसिबल है। एक दो तीन चार पांच, सेकेंड वाले पे कार्बन लगा दिया, एक हमने यहां सेकेंड कार्बन पे लगाया था, अगर इधर से काम करो तो सेकेंड पे लगाया था, आप इस वाले पे भी लगा सकते थे। ठीक है, अब हम थर्ड वाले पे लगा के देखते हैं, वो भी तो एक आइसोमर हो सकता है। CH3 ठीक है, तो तीन आइसोमर्स तो हमें यहां पे दिख रहे हैं, क्या एक और हो सकता है? एक ही कार्बन पे दो मिथाइल ग्रुप लग सकते हैं? हेक्सेन के केस में लग सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास ज्यादा है। ब्यूटेन के केस में दो ही आइसोमर पॉसिबल दिख रहे थे हमें। अच्छा आप इधर से, मैंने बोला ना ये सेकंड कार्बन एटम मैंने यहां से काउंट किया है, अगर आप यहां से काउंट करके बना रहे हो तो वो एक दूसरा आइसोमर नहीं कहलाएगा, वो सेम ही आइसोमर कहलाएगा, क्योंकि आप लेफ्ट से काउंट करो राइट से काउंट करो स्ट्रक्चर तो सेम ही है। राइट, सो ये तीन तो ऑलरेडी हो गए, एक दो तीन चार पांच छ है ना। एक और करते हैं, हमने सेकंड वाले पे भी एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, थर्ड वाले पे भी लगा दिया, हमारे पास इस तरीके का कंपाउंड दिख गया। एक और पॉसिबल है, वेरी क्रेजी स्ट्रक्चर दिखाती हूं, पेन
1, 2, 3, 4 सेकंड वाले पे या थर्ड वाले पे, जिस पे मन करे उस पे मैंने यहाँ पे सेकंड वाले पे लगेगा। वैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, नीचे भी मिथाइल ग्रुप, इस वाले कार्बन की वैलेंसी हो गई। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, यहाँ पे ये, तो ये पांच आइसोमर्स जो हैं हेक्सेन के केस में पॉसिबल है, ब्यूटेन के केस में एक ही था। नाउ व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स बच्चा, अभी हमने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इन हाइड्रोकार्बन में किसी भी एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को कोई और एलिमेंट का एटम रिप्लेस करता है तो उस एलिमेंट के उस एटम को हम बोलते हैं हिटीरो एटम। सो द एटम, एक एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। सो द एटम और एटम्स दैट रिप्लेस अ हाइड्रोजन इन एन हाइड्रोकार्बन आर नोन एज हिटीरो एटम, या फिर इसे फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। और ये जो एटम होता है ना, जो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में रिप्लेस करने की क्षमता रखता है, ये जो एटम या एटम्स का ग्रुप होता है, इसे फंक्शनल ग्रुप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक हिटीरो एटम या एटम्स पूरे हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने लग जाता है। वो केमिकल जो है, वो कंपाउंड जो है, कितना रिएक्टिव होगा कितना नहीं होगा, वो फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करने लग जाता है। लंबी सी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी, एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, वो डिफाइन कर देगा उसकी रिएक्टिविटी। तो इंटायर केमिस्ट्री चेंजेस ऑफ द कंपाउंड बिकॉज ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। अब कुछ बहुत ही कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके सिलेबस में है। फंक्शनल ग्रुप्स तो बहुत सारे होते हैं, पीएचडी लेवल तक लोग पढ़ते हैं, पर जो हमारे सिलेबस में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है हैलो, हैलो में जो है क्लोरो या ब्रोमो आते हैं। एक है एल्डिहाइड, एक है कीटोन, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, कुछ बचा क्या, एल्कोहल। तो जब एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके OH लगता है, OH ग्रुप लग जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो उसे आप बोलते हो अल्कोहल। उस कंपाउंड का नाम हो जाता है अल्कोहल, कोई भी, मिथेनॉल, इथेनॉल, आगे हम पढ़ेंगे नेमिंग कैसे होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके COOH, जैसे कि एसिटिक एसिड CH3COOH, ये वाला ग्रुप लगता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कीटोन ग्रुप लग जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ, जो दोनों साइड से ओपन है, ठीक है, तो आप इसे कीटोन ग्रुप बोलने लगते हो। एल्डिहाइड ग्रुप होता है जब हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके CHO लगता है, राइट। तो ये ग्रुप याद कर लो, रट्टा मारना है रट्टा मार लो। एल्डिहाइड इज CHO ग्रुप, कीटोन इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड इज COOH, अल्कोहल इज OH। यहाँ पे फ्री वैलेंसी जो है वो शो की गई है सिंगल लाइन से, यानी कि यहाँ पे पूरी कार्बन की चेन आएगी हाइड्रोकार्बन की, यहाँ पे OH लगा हुआ होगा, ठीक है। सो दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप। ना ये जो फंक्शनल ग्रुप है, अब ऐसा तो नहीं है फंक्शनल ग्रुप एक ही तरीके के कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन में अभी हमने पढ़ा चेन्स होती हैं, एल्केन्स में, एल्कीन्स में, एल्काइन्स में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप अलग 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 नाम देते हो, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, राइट। सब में कार्बन एटम जो है बढ़ता जा रहा है, मीथेन में एक है, ईथेन में दो है, प्रोपेन में तीन है, ब्यूटेन में चार है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ फंक्शनल ग्रुप अगर उन चारों के चारों में लगा दो तो वो क्या बन जाएगी, एक होमोलोगस सीरीज बन जाएगी। तो ऐसी सीरीज, कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता रहता है कार्बन चेन के अंदर, उसे आप होमोलोगस सीरीज बोलते हो। होमोलोगस सीरीज में जो दो एडजेसेंट कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि ये पूरी सीरीज है, कंपाउंड नंबर वन, कंपाउंड नंबर टू, कंपाउंड नंबर थ्री, कंपाउंड नंबर फोर, इसमें जो दो एडजेसेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वन एंड टू या टू एंड थ्री या थ्री एंड फोर, ऐसे एडजेसेंट कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे एल्केन इज अ टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी लग सकते हैं। सो एल्केन इज अ टाइप ऑफ, एल्कीन इज अ टाइप ऑफ होमोलोगस सीरीज। सो अ सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स इन व्हिच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। ईच एडजेसेंट केमिकल कंपाउंड इन एन होमोलोगस सीरीज डिफर्स बाय CH2 ग्रुप, और CH2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 14 μ। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये होमोलोगस सीरीज की, कि जनरल फॉर्मूला जो है इसमें मेंबर्स का सेम रहता है, लेकिन जनरल फॉर्मूला सेम रहने के बावजूद
इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफर करती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बॉन्ड पे डिपेंड करेगी ना, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में आगे जा रहे हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो जैसे जैसे आप होमोलोगस सीरीज में आगे जाते हो, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट चेंज होता जाता है, डेंसिटी चेंज होती जाती है, मॉलिकुलर मास चेंज होता रहता है, 14 μ हर एडजसन लेवल पे एड होता जाता है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो जनरल फॉर्मूला पर डिपेंड करती है, वो जो है होमोलोगस सीरीज में सेम रहती है। कि जैसे सारे एल्केन्स हैं, चाहे वो प्रोपेन हो, इथेन हो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर ही शो करेंगे, लेकिन उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफर करेगा, राइट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ बॉन्ड। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। सो हमें फंक्शनल ग्रुप भी समझ आ गया, हमें होमोलोगस सीरीज भी समझ आ गई, अब हम नॉमेनक्लेचर पे चलते हैं। बहुत हाई फाई नॉमेनक्लेचर तो आपके सिलेबस में नहीं है, जिस लेवल का नॉमेनक्लेचर है उस लेवल पे ही स्टिक करते हैं नॉमेनक्लेचर। वन सेकेंड, पहली बात तो ये बच्चा कि दो तरीके के नाम होते हैं कार्बन एटम्स के, कार्बन एटम्स कह रही हूँ, कार्बन कंपाउंड्स के, या किसी भी केमिकल कंपाउंड के, देयर आर टू काइंड्स ऑफ नेम्स। एक नेम होता है जिसे आप कॉमन नेम बोलते हो, एक होता है जिसे आप IUPAC नेम बोलते हो। अच्छा भाई देखा, IUPAC की फुल फॉर्म पता है आपको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड साइंस। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे केमिकल कंपाउंड के रूल्स के साथ जो है नाम रखती है, अप्लाइड साइंस कह रही हूँ, अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन जो है डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट होता है, कॉमन नेम के लिए कोई रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, IUPAC नेम्स के लिए रूल फॉलो होते हैं। इनके रूल्स बहुत सिंपल हैं, आपके बुक में जो नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से समझोगे एग्जाम्पल्स के साथ कभी भी नहीं भूलोगे। सबसे पहला रूल होता है कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम, फॉर द रूट वर्ड, ओ वर्ड आएगा यहां पे, वर्क नहीं आएगा, दूसरा होता है यहां पे अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन लगेगा, सफिक्स, सफिक्स का मतलब जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स का मतलब जो आगे लगता है, तो अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो एन लगेगा सफिक्स, अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है तो या तो ईन लगेगा या आइन लगेगा, राइट, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। तीसरा, फंक्शनल ग्रुप है तो उसे नाम में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप या तो प्रीफिक्स में लगेगा या सफिक्स में लगेगा, या तो आगे लगेगा नाम के या तो पीछे लगेगा, लेकिन उसे रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे मैंने दिखाए ही हुए हैं आपको, आई थिंक ये रूल्स लिखे हुए थे, मैं कब से लिख क्यों रही थी। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम आपको सफिक्स की तरह देना है, यानी कि कार्बन कंपाउंड के नाम के पीछे लगाना है, तो जो सफिक्स होगी ना फंक्शनल ग्रुप की, जो सफिक्स लगेगी वो जो है हमेशा एक वोवल से शुरू होगी, या तो ए से या ई से या आई से ओ से यू से, लेकिन एक वोवल से शुरू होगी वो सफिक्स। और देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल ई, एल्कीन होता है, एल्केन होता है, एल्काइन होता है, सब में लास्ट में एक ई आता है, उस ई को आप हटा दोगे और वहां पे वो सफिक्स लगा दोगे, ठीक है। जैसे कि कीटोन, कीटोन के केस में ना ओन सफिक्स लगती है, ओन, आगे मैं ये भी बताऊंगी कि कीटोन में कौन सी सफिक्स लगती है, एल्डिहाइड में कौन सी लगती है, अल्कोहल में कौन सी लगती है, लेकिन कीटोन के केस में ओन सफिक्स लगती है। अब कैसे, हमने ये रूल्स पढ़े, राइट, मान लो हमारे पास कंपाउंड है, यहां पे देती हूं, मान लो हमारे पास कंपाउंड है ये, कितने कार्बन एटम है, दो, तो वर्ड क्या लगेगा, एथ, राइट, एथ। यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, COOH, है ना, COOH लगा हुआ है, तो COOH एथनोइक एसिड, यहां पे आएगा एथनोइक एसिड, ओइक एसिड लग गया ना यहां पे, लास्ट का ई जो था इथेन का उसको हमने रिप्लेस कर दिया ओइक से, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का नाम था, राइट। एक और करते हैं, हमारे पास ये कंपाउंड है,
उसका नामकरण करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 लार्जेस्ट कार्बन चेन का हमने काउंट कर लिया, कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, तो क्या वर्ड लगेगा, ब्यूट, और सॉरी पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब ब्रोमीन भी तो लगा हुआ है नंबर 1 पे, तो ब्रोमीन भी तो लिखना पड़ेगा, तो 1-bromo-pentane, ठीक है, इस तरीके से। तो अल्कोहल के केस में लगता है ओल, जैसे कि मेथनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का डायग्राम बनाओ कैसे बनेगा, इथेनॉल 2 कार्बन है, C2H अभी रहने दो, और साथ में क्या लगेगा, OH, है ना, एथेनॉल का OH, H आप जब डायग्राम बना के देखोगे तो आपको पता चलेगा यहां पे आएगा 5, C2H5OH, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया हमारे OH ग्रुप ने, दिस इज योर अल्कोहल। एल्डिहाइड के केस में, एल्डिहाइड के केस में लगता है अल, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया आपका, और कीटोन हो गया, कीटोन के केस में लगता है ओन, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, मिथेनोइक तो नहीं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड जिसे आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एल्कीन के केस में ईन लगता है, एल्काइन के केस में ये लगता है, हैलो एल्केन्स जब होते हैं तो वो प्रीफिक्स की तरह लगते हैं, ये याद रखना, हैलो एल्केन्स हमेशा प्रीफिक्स की तरह लगते हैं, जैसे कि C5H11 क्लोरीन है, तो ये क्या लगेगा, 1-chloro-pentane, ठीक है, बाकी वो सफिक्स की तरह लगते हैं। चलो कंपाउंड के नामकरण करते हैं, यहां पे पहला कंपाउंड देखते हैं, ये क्या होगा, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, वन कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 1 पे लगा है ब्रोमीन, तो ये होगा 1-bromo, कितने कार्बन एटम है, 2, हैलो हैलोजन्स के केस में ब्रोमो, ब्रोमीन के केस में ब्रोमो बोला जाता है, क्लोरीन के केस में क्लोरो बोला जाता है, ये मैं बताना भूल गई, 1-bromo कितने कार्बन एटम, 2, ठीक है, 1-bromo ईथेन, ये कितने हैं, कार्बन एटम एक ही है, तो ये क्या होगा, ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, सीएचओ ग्रुप, तो कैसे लिखोगे, मेथनल, बिकॉज देयर इज ओनली 1 कार्बन, 2 होते तो इथेनल। अब इसके केस में देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, अल्काइन है, एल्काइन, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्स आएगा, हेक्साइन, कौन से पे लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, नंबर 1 पे लगा हुआ है, तो 1-hexyne, दिस इज हाउ यू नेम द कंपाउंड। एक और करते हैं, होमवर्क के लिए दे रही हूं मैं, आप करना इसका नाम बताना मुझे, और एक और कर दो, ये तो बहुत ईजी है, ये तो आपके सिलेबस में भी है, इसका नाम बताना मुझे, ये दोनों होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, क्या कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले बात तो हमारे पास कौन कौन से सिलेबस में है, एक कंबशन है, एक ऑक्सीडेशन है, एक आई थिंक एडिशन है, और एक सब्स्टिट्यूशन है, ये 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहले कंबशन का बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट को या किसी भी एटम को या किसी भी चीज को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो उसे बोला जाता है कंबशन, कार्बन के कंपाउंड को, तो कार्बन कंपाउंड को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे आपको मिलेगा कंबशन। किसी भी कार्बन के किसी भी एलोट्रॉप को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो आपको मिलेंगी सिमिलर चीजें, CO2 मिलेगा ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट मिलेगी बहुत ज्यादा, लाइट मिलेगी, इसी हीट और लाइट की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है।
क्योंकि एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गई तो उसे एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, हीट जो है इसकी वो बाकी रिएक्शन को कैरी आउट कर लेती है। तो कंबर्शन गिव्स अ लॉट ऑफ हीट, दैट्स व्हाई कार्बन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। नाउ मीथेन को भी अगर आप बर्न करोगे तो भी आपको वही मिलेगा, CO2, हीट और लाइट। इथेन को करोगे तो भी वही मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को करोगे तो भी वही मिलेगा, मिथेनल को करोगे तो भी वही मिलेगा। तो जिस भी कंपाउंड को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करोगे CO2, हीट और लाइट मिलेगा। नेक्स्ट इज, अच्छा ऑक्सीडेशन पे आए उससे पहले एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, फ्लेम कैरेक्टरिस्टिक। हमारे घरों में जो गैस आती है वो मोस्टली सैचुरेटेड गैस होती है, सैचुरेटेड LPG गैस आती है। जब हम उसे जलाते हैं, अगर बर्नर नया है, हमने नया नया चूल्हा लिया है घर में किचन में, तो आप जब जलाते हो ना तो इस तरीके की गैस दिखती है क्योंकि वो सैचुरेटेड गैस होती है। सैचुरेटेड गैस जो होती है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कंबस्टन जब शो करते हैं तो ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, क्लीन तरीके से जलते हैं, कंप्लीट कंबस्टन होता है। ऑन दी अदर हैंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट तरीके से जलते हैं, उनका कंबस्टन इनकम्प्लीट होता है, तो वो येलो या रेडिश या ऑरेंजिश कलर की फ्लेम देते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है। जब हम नया स्टोव लेके आते हैं तो ये गैस का जो बर्नर होता है ना इसमें छेद होंगे, आप कभी देखना गैस के बर्नर में छेद होते हैं, वो जो छेद होते हैं वो काफी क्लीन होते हैं, तो वो छेद मेक श्योर करते हैं कि जब आप जलाओ लाइटर से गैस जलाओ तो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है प्रॉपर हो। तो सैचुरेटेड गैस जो है तब वो ब्लू कलर की जलती है, लेकिन जब हम खाना बनाते रहते हैं दाल गिर गई उसमें, तेल गिर गया उसमें, तो ये जो इनलेट्स होते हैं स्टोव के जो इनलेट्स होते हैं ये जाम हो जाते हैं, इसमें कचरा फंस जाता है। जैसे जैसे कचरा फंसता है ऑक्सीजन की सप्लाई जो है मेंटेन नहीं हो पाती है आपकी ब्लू कलर की फ्लेम के लिए। उस केस में जो फ्लेम है वो या तो ऑरेंज कलर की हो जाती है, या बहुत ही कचरा फंस गया है तो रेडिश कलर की हो जाती है, और बहुत ज्यादा कचरा फट गया है तो स्टोव चलना ही बंद हो जाता है, फिर हमें उस कचरे को निकालना पड़ता है या नया ऊपर का बर्नर लेना पड़ता है ना। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन ऑल्सो गिव ब्लैक कलर का सब्सटेंस जो सूट बोलते हैं। जब पुराना हो जाता है ना स्टोव तो बर्तन काले करने लगता है, क्योंकि तब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है इनप्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में जल रहे होते हैं और वो सूट प्रोड्यूस करते हैं, वो काला काला रेजिड्यू प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन की सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड विच इज ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन तो आपने पढ़ा, कंबर्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन। कार्बन और ऑक्सीजन को आप जला रहे हो, कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ, तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड कर दो ऑक्सीजन एटम्स, या फिर उसमें हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एक तो हमने पढ़ा, दूसरा हमें पढ़ना है जिसमें हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली पहले अल्कोहल को जब आप हीट करते हो, स्पेलिंग गलत हो गई, अल्कोहल को जब आप पहले हीट करना स्टार्ट करते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, और हीट करते रहते हो तो फाइनली मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और कैटलिस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में करना पड़ता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दिस रिएक्शन। एक है पोटेशियम परमैंगनेट जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, एक है आपका एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। दोनों में से कोई एक डालना होता है। अब हम सिंपल रिएक्शन करते हैं, सिंपल एथेनॉल लेते हैं। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला हुआ CH3CH2OH, इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे C2H5OH, है ना, बट दिस इज अब रेलेवेंट तरीका लिखने का। आपने किया हीट, बहुत सारा हीट, साथ में क्या डाल दिया आपने, एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड, ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन की स्पेलिंग क्या होती है, क्या मिलेगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, इसी का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ना, इसमें दो कार्बन एटम्स हैं तो उसमें भी दो कार्बन एटम होंगे, तो CH3COOH, ठीक है, ये मिलता है, और वाटर जो है हीट की वजह से निकल जाता है, तो दिस इज व्हाट यू गेट। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब है जब आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की कमी है उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, उसे आप एडिशन बोलते हो। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए दो कैटलिस्ट यूज होते हैं, एक निकल एक क्रोमियम। पैलेडियम को भी यूज करते हैं बट बड़ा महंगा आता है, तो निकल क्रोमियम ज्यादा लैबोरेटोरीज में यूज होता है।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला क्या होगा? अनसैचुरेटेड, चलो हमने डबल बॉन्ड वाला लिया, डबल बॉन्ड आर और आर लिख रही हूं, डिपेंडिंग अपॉन ब्यूटीन है प्रोपीन है क्या है हमें नहीं पता, तो आर रिप्रेजेंट यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन। तो दोबारा से बनाती हूँ, काफी अजीब सा बन गया है। एक इंसान एक गलती कितनी बार करेगा? ठीक है, तो यहां पे हो गया। ओहो, यहां पे हो गया आर आर, डिपेंडिंग अपॉन कितनी लंबी चेन है। इसमें आपने कैटलिस्ट डाला, निकल या क्रोमियम, हाइड्रोजन ऐड हुआ, आपको मिला आर, सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनना है, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। दिस इज वॉट यूल गेट। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन इज दिस। यही एडिशन रिएक्शन जो है इसका एक एग्जाम्पल है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो आपने सुना होगा अक्सर डाइटिशियंस वगैरह बोलते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम रील्स पे भी लोग बोलते हैं कि एनिमल ऑयल्स नहीं खाने चाहिए, एनिमल फैट से जो फैट बनता है या ऑयल बनता है उसे नहीं यूज करना चाहिए। वेजिटेबल ऑयल हमारे घरों में यूज होता है, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल ऑयल ज्यादा हेल्दी होते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है अनसैचुरेटेड होते हैं, ऑन द अदर हैंड एनिमल ऑयल जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल भी होता है, वेजिटेबल ऑयल में आप हाइड्रोजनेशन करते हो, हाइड्रोजन ऐड करते हो निकल एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में। सो दैट इज व्हाई वी से दैट इट इज सेफर टू ईट ऑयल्स व्हिच आर प्लांट बेस्ड, व्हिच आर मस्टर्ड, कैस्टर ऑयल, दीज आर ऑल प्लांट बेस्ड बिकॉज दे आर अनसैचुरेटेड। एनिमल फैट्स आर मोस्टली सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड फैट्स को बॉडी में से कम करना, कैलोरीज कम करना मुश्किल हो जाता है, अनसैचुरेटेड फैट को बर्न करना, बॉडी में यूटिलाइज करना इजियर होता है क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं, है ना? दैट इज योर एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वैसे तो हाइड्रोकार्बन स्टेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते नहीं है, दे आर फेयरली अनरिएक्टिव, बट एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बड़ा रैपिडली होता है, वो है हाइड्रोकार्बन का क्लोरीन के साथ। क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में बहुत ही रैपिड रिएक्शन होता है, इसे रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। करके दिखाती हूँ मैं। CH4 मीथेन ले लिया हमने, मीथेन में क्लोरीन डाला, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन एक्टिवेट होता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हाइड्रोजन एटम को हटा के वहां पे क्लोरीन लग जाएगा, तो CH3Cl+HCl निकल जाएगा। अब ये इतना रैपिड होता है क्योंकि सनलाइट को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, सनलाइट तो पड़ रही है आपके ऊपर, इतना रैपिड होता है कि तुरंत ही CH3Cl से ये बन जाता है और तुरंत ही उससे CH2Cl से ये बन जाता है और तुरंत ही, वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट, सब्स्टिट्यूशन होती रहती है होती रहती है होती रहती है, सनलाइट चाहिए, दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दीज वर द रिएक्शंस, ओनली दीज रिएक्शंस आर इन योर सिलेबस। इफ यू आर रेफरिंग एनी रेफरेंस बुक, बाय द वे रेफरेंस बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, बहुत सारी बुक्स बेकार भी हैं, बहुत सारी बुक में गलत वलत भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर कोई रेफरेंस बुक ले रहे हो और उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है इस चैप्टर में, क्लास 11th लेवल का, 12th लेवल का, तो अपने पढ़ने के लिए कर सकते हो। अगर ये वीडियो आप दिसंबर या जनवरी में देख रहे हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि एनसीईआरटी से स्टिक करो, ये जो नोट्स हैं दीज आर कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सो यू कैन रेफर दैम। सो हमारे पास दो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो प्रॉपरली सिलेबस में हैं, एक इथेनॉल एक इथेनोइक एसिड। पहले इथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है बच्चा CH3CH2OH, अल्कोहल है ये, नॉर्मल अल्कोहल है, मतलब ये कॉमन अल्कोहल है, ये एक ऐसा अल्कोहल है जो सारे के सारे अल्कोहलिक बेवरेजेस में डलता है, चाहे वो विस्की हो, चाहे वो कोई कॉकटेल हो, चाहे कुछ भी हो। तो इथेनॉल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, इथेनॉल को कॉमनली आप अल्कोहल भी बोलते हो। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अल्कोहल की बात कर रहे होते हैं तो हम प्रोपेनॉल या मिथेनॉल की बात नहीं कर रहे होते, हम इथेनॉल की ही बात कर रहे होते हैं, राइट?
अच्छा खासा सॉल्वेंट है, इसमें सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, इसीलिए कफ सिरप में आपने सुना होगा कफ सिरप पी के नींद आती है, क्योंकि उसमें कुछ परसेंटेज इथेनॉल का होता है। कफ सिरप में मेडिसिन के साथ मिक्स करके कफ सिरप बनाई जाती है, इथेनॉल और मेडिसिन को मिक्स करके। आयोडीन टिंचर में भी इथेनॉल को यूज किया जाता है। पानी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है इसकी, इथेनॉल को पानी में किसी भी प्रपोर्शन में मिलाओ, 10 ml इथेनॉल, 90 ml पानी, किसी भी प्रपोर्शन में आप मिलाओ, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। छोटी क्वांटिटीज में अगर आपने डाइल्यूटेड इथेनॉल कंज्यूम किया है तो उससे ड्रंक हो जाते हैं लोग, यानी कि इट हैज अ इफेक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। तो जो भी आप मार्केट में इथेनॉल देखते हो, ड्रिंक्स में आता है, वो सारा का सारा इथेनॉल डाइल्यूटेड होता है। कभी किसी ड्रिंक की बॉटल पे आप लेबल पढ़ोगे ना, तो वो लेबल पे लिखा भी होता है 14% अल्कोहल इन इट, 6% अल्कोहल इन इट, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में ही लोगों को दिया जाता है। बॉडी के लिए वैसे भी एनीवे अच्छा नहीं होता है, बट अगर मॉडरेट क्वांटिटीज में आप ले रहे हो तो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा हार्मफुल होने के चांसेस कम होते हैं। अगेन, डाइल्यूटेड वाला कंज्यूम करते हैं लोग, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं करते हैं। नाउ इसकी रिएक्शन हमारे सिलेबस में है, दो रिएक्शन है इथेनॉल की सिलेबस में, एक सोडियम के साथ है, एक डिहाइड्रेशन है। पहले सोडियम के साथ कर लेते हैं। पहली जो रिएक्शन है वो काफी सिंपल है, हमें इथेनॉल की रिएक्शन करनी है सोडियम के साथ। तो लाइक आई सेड, दो ही रिएक्शन है, एक सोडियम के साथ है और एक इसकी डिहाइड्रेशन वाली है। पहले हम ले लेते हैं अल्कोहल अपना सिंपल सा, CH3 CH2 OH, इथेनॉल हो गया है हमारा। इसके साथ हमने सोडियम डाला तो क्या बनेगा, CH3 CH2 O रहेगा, जो लास्ट वाला एच है एथेनॉल का, ये वाला एच है, ये रिप्लेस हो जाएगा सोडियम के साथ, ठीक है। साथ में निकल जाएगा H2, बैलेंस करोगे 2 2 2, ये क्या बना, सोडियम इथॉक्साइड बन गया इस रिएक्शन में। दूसरा रिएक्शन है सिंपल सा डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी का कम होना, पानी उड़ जाना। तो अल्कोहल में से CH3 CH2 OH में जब आप 443 केल्विन पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हो, कौन सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तब वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है ना, सारा पानी लेके निकल जाता है और हमारे पास जो बनता है वो बनता है इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, ठीक है। तो ये दो ही रिएक्शन है, सोडियम के साथ रिएक्ट किया सोडियम इथॉक्साइड बना, और डिहाइड्रेशन हुआ इथेनॉल का तो आपका बना इथीन। नेक्स्ट इज अल्कोहल का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है, बहुत असर पड़ता है भाई, असर ही असर पड़ता है, इतना असर पड़ता है कि लोग, और लोगों को ये असर पसंद भी होता है, तभी लोग जो है अल्कोहल कंज्यूम भी कर रहे होते हैं, इथेनॉल कंज्यूम भी कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपेयर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हमारा इंपेयर हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो भी हो जाता है। कई लोग ना बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, उनका पेट खराब हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है पॉइजन की तरह ट्रीट करती है इसे। आपका इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, बोलते हैं ना कि अल्कोहल कंज्यूम करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्यों, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति जो है खत्म हो जाती है, इम्पेयर्ड जजमेंट हो जाता है, स्टूपर करने लगते हैं लोग, हकलाने लगते हैं वो, उनका स्पीच खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लो तो बोल क्या रहे हो वो भी याद नहीं रहता है, मेमोरी पे भी असर पड़ता है, तो इम्पेयर स्पीच हो जाती है, पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, सेंस ऑफ टाइमिंग खत्म हो जाती है, लोगों को लगता है वो रिलैक्स हो रहे हैं लेकिन एक्चुअली में उनका दिमाग जो है स्लो काम करना शुरू कर देता है, बहुत उनको सोना सोना जैसा फील होता है, तो ड्राउजीनेस भी फील हो रहा होता है, ड्राउजीनेस, ये सारे के सारे अल्कोहल के ही इफेक्ट है, इथेनॉल के इफेक्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने पे ये सब होता है कि इथेनॉल कंज्यूम करने पे भी होता है कि हम मीथेनॉल भी कंज्यूम कर सकते हैं, नहीं हम मीथेनॉल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इथेनॉल तो फिर भी डाइल्यूटेड फॉर्म में कंज्यूम हो जाता है ह्यूमन बींग्स में, लेकिन अगर आप मीथेनॉल कंज्यूम करोगे तो मीथेनॉल जाएगा आपके लीवर में, मीथेनॉल जाएगा लीवर में, लीवर में जाके करेगा ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज करा के बनाएगा मीथेनल, मीथेनल। मीथेनल इतनी भयानक चीज होती है कि मीथेनल हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे कोगुलेट कराता रहता है, जैसे दूध में 2 चम्मच सिरका डाल दोगे तो दूध फट जाएगा ना, वैसे ही मीथेनल बॉडी के सेल्स को कोगुलेट कराना शुरू कर देता है, ब्लाइंडनेस भी कॉज कर देता है। बहुत ज्यादा लोग जो है मीथेनॉल को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लेकिन उन्हीं के फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स जो है इथेनॉल या मीथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जो है कंज्यूम ना कर लें, राइट, कहीं बहक के कंज्यूम ना कर ले, इसीलिए वो अपने मीथेनॉल या इथेनॉल के अंदर डाई डाल के रखते हैं, कलरफुल डाई डाल के रखते हैं ताकि वो नॉर्मल अल्कोहल जैसा ना दिखे, या फिर वो जो है
इसकी स्मेल खराब करके उसमें पॉइजन डाल के रखते हैं। आपने कई बार अखबार में पढ़ा होगा कच्ची शराब पीने से लोगों की मौत हो गई है ना। व्हाट इज दैट? वो या तो डाइल्यूटेड इथेनॉल पी लेते हैं या फिर सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉल पी लेते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड मीथेनॉल पी लेते हैं, विच इज कच्ची शराब बेसिकली, जो हम आम लाइफ में बोलते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इथेनॉल। तो एक तो हमने पढ़ा मेडिसिन में काम आता है, मेडिसिन में सिरप बनाने के लिए काम आता है, टिंचर बनाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट इज एल्कोहलिक बेवरेजेस में काम आता है, एल्कोहलिक ड्रिंक्स में काम आता है। तीसरा है इसका काम क्लीनर फ्यूल की तरह भी काम आता है। कुछ कंट्रीज हैं जो अपने पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करके देती हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल जो है क्लीन फ्यूल है, कंप्लीट कंबशन दिखाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इथेनॉल जलता है तो सिर्फ CO2 और वाटर मिलता है, तो ये क्लीनर फ्यूल है, पेट्रोल वगैरह से क्लीनर है। तो पूरा तो हम प्रॉपर गाड़ियों में सिर्फ इथेनॉल नहीं डालते हैं, लेकिन पेट्रोल के साथ मिक्स करना काफी देशों में शुरू हो गया। तो दीज आर द थ्री यूजेस। अगर आप सोच रहे हो कि इथेनॉल बनता कैसे है, तो इस तरीके से बनता है। फर्मेंटेशन होती है इथेनॉल को बनाने के लिए मोलासेस की। जिन बच्चों ने मेरे से ज्योग्राफी पढ़ी है उन्हें मोलासेस समझ आ गया होगा। जब हम गन्ने से जूस निकालते हैं तो एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे मोलासेस बोलते हो। मोलासेस को फर्मेंट करा के, डिस्टिल करा के, फिल्टर करके आप जो है अल्कोहल बनाते हो, इथेनॉल बनाते हो। मीथेनॉल भी ऐसी बनती है पर इथेनॉल की बात हो रही थी यहाँ पे। देन हमारे दूसरा जो है सिलेबस में वो है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। दो कार्बन हो गए ना, एथ वर्ड लग गया। प्यार से इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। कौन सी फैमिली का है? कार्बोक्सिलिक फैमिली का है तो एसिड ही, लेकिन HCl से कम एसिडिक होता है। अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, HCl से कम एसिडिक है। जब हमें से 5-8% मिक्स कर देते हैं पानी में, मतलब पानी बाकी परसेंट हो गया, 5-8% उसमें एसिटिक एसिड हो गया, तब हम इसे नॉर्मल सिरका बोलते हैं। तो घरों में जो आता है वो एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, वो डायल्यूटेड एसिटिक एसिड यानी कि सिरका होता है। और इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब टेम्परेचर कम होता है बाहर, एटमॉस्फेयर में कम ठंडक होती है, तब ये बर्फीला हो जाता है और फ्लेकी हो जाता है। फ्लेकी इसलिए होता है क्योंकि इस एसिटिक एसिड में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तब आप इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हो या एनहाइड्रस एसिटिक एसिड भी बोलते हो। एनहाइड्रस का मतलब है डिहाइड्रेटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट, वीकर देन HCl। HCl से वीकर है यानी कि इसकी जो आयनाइजेशन है, आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन HCl, लेकिन अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब जब ये पानी में घुलता है तो H+ आयन कम देता है, HCl ज्यादा H+ आयन देता है, लेकिन है तो एसिडिक। तो एसिडिटी टेस्ट करते हैं इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड की बहुत सारी हमारे सिलेबस में केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक एसिड के साथ है, एक बेस के साथ है, एक एस्टेरिफिकेशन है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ है, एक बाइकार्बोनेट्स के साथ है, एक सपोनिफिकेशन है। ये सब कुछ सिलेबस में पहले एसिडिटी टेस्ट करते हैं। सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इथेनोइक एसिड लिख लो CH3COOH। एसिडिटी हमने मेटल के साथ कर ली, सोडियम के साथ कर ली, क्या मिलेगा हमें? CH3COONA और H2 निकल जाएगा। बैलेंस करना जरा, यहाँ H2 है तो यहाँ पे दो लगाओगे, यहाँ दो लगाओगे तो सोडियम भी दो लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा, राइट। एसिडिटी ऑफ इथेनोइक एसिड, तो हमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। देन बेस के साथ करते हैं। जब एक एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है? सिंपल एसिड बेसिस सॉल्ट में बढ़ के आए हो, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो पानी और नमक मिलता है, सॉल्ट और वाटर मिलता है। तो एसिड हो गया आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, सिंपल बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या आएगा? CH3COONA, ये तो हो गया सॉल्ट और हमें मिल गया पानी, राइट। दिस इज योर रिएक्शन, रिएक्शन विद अ बेस। नेक्स्ट इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन इसकी रिएक्शन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस्टर एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, बहुत ही भीनी भीनी इसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है। एस्टर बनता है जब आप किसी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो हीट करके, ठीक है। तो इसमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, कैटलिस्ट के बिना ये काम नहीं चलता है, लेकिन कैटलिस्ट के साथ एस्टर बन जाता है। एस्टर के अपने बहुत काम है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होता है क्योंकि बहुत फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, राइट। एसेंस की तरह काम आता है, परफ्यूम्स में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है। तो एस्टर के अलग फंक्शन है, और ये एस्टर बनता किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा के। तो हम यहाँ पे कौन सा एसिड पढ़ रहे हैं? इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड की रिएक्शन करेंगे, हमने यहाँ पे लिया इथेनोइक एसिड CH3COOH,
साथ में लिया एक अल्कोहल, इथेनॉल ले लेते हैं, CH3CH2OH। हमने रिएक्शन कराई, हमें मिलना था वाटर, पहले तो वाटर अलग कर देते हैं। अब बनेगा एस्टर, एस्टर कैसे बनेगा, CH3COO, ये वाला H जो है यहां से निकल जाएगा और यहां से ये OH निकल जाएगा वाटर के लिए, तो CH3COO CH2CH3, दिस इज योर एस्टर। ठीक है, ये एस्टर लाइक आई सेड बहुत सारे कामों में काम आता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो है सपोनिफिकेशन। जब आप इस एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो तो आपको मिलता है सोप। दिस रिएक्शन इज नोन एज सपोनिफिकेशन, यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप। एस्टर याद है पीछे वाली रिएक्शन का? नहीं याद तो मैं बताती हूँ, CH3COO CH2CH3 किसके साथ हमें रिएक्ट कराना है, NaOH के साथ। क्या मिलेगा बाबा, अब मिलेगा सोप, CH3COO Na प्लस इथेनॉल भी निकल जाएगा, एल्कोहल भी निकल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस रिएक्शन इज बेसिकली सपोनिफिकेशन। नाउ व्हाई आर एस्टर यूज, मैंने बता दिया वैसे फ्लेवरिंग एजेंट की तरह, परफ्यूम्स की तरह और सपोनिफिकेशन में यूज होते हैं, लेकिन फिर भी आप इनके जो फंक्शंस हैं अच्छे से याद करके लिस्ट डाउन करके मुझे कॉमेंट्स में जरूर बता देना। नेक्स्ट रिएक्शन इज विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही करेंगे हम, दोनों ही हमारे सिलेबस में है। लिख लेते हैं पहले CH3COH, यहाँ पे भी CH3COH, यहाँ पे Na2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, तो NaHCO3। दोनों ही केसेस में क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे भी क्या बनेगा, CH3COO Na प्लस H2O प्लस CO2। बस वहां पे बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन जो है कम है, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, सो दीज आर द टू रिएक्शन। CO2 इवॉल्व हो जाती है तो मिल्की टर्न्स, मिल्की CO2 टर्न्स, मिल्की वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया ना, उससे हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं। CO2 इवॉल्व हो जाती है, वाटर निकल जाता है और आपका बन जाता है CH3COO Na दोनों रिएक्शन में। नेक्स्ट इज योर सोप्स एंड डिटर्जेंट। बाय द वे इसके भी यूजेस बता देती हूँ, इथेनोइक एसिड के यूजेस बता देती हूँ। इथेनोइक एसिड एक तो सिरका बनाने में यूज होता है, विनेगर बनाने में, पिकल बनाने में क्योंकि अचार में सिरका डलता है। दूसरा स्टेरिफिकेशन में यूज होता है, सपोनिफिकेशन में यूज होता है, ये सारे इसके यूजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट। पहली बात तो सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में क्या होता है डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन सोप में भी होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन डिटर्जेंट में भी होती है। सोप्स में लंबी चेन के साथ में सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट लगा हुआ होता है, ऑन दी अदर हैंड डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट का सॉल्ट लगा हुआ होता है। सोप का जनरल फॉर्मूला होता है RCOO Na+। तो ये R हो गई लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन, राइट, और यहां पे लगा हुआ है सोडियम, सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड डिटर्जेंट में क्या लगा है, अमोनियम एंड सल्फोनेट। अब सपोनिफिकेशन होता कैसे है, यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है ये बड़े लेवल की रिएक्शन है, रिएक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सपोनिफिकेशन को जनरली अगर हम देखें तो किसी भी ट्राइग्लिसराइड इज अ काइंड ऑफ फैट, राइट, तो किसी भी फैट और ऑयल में जब आप एल्कली मिक्स करते हो, जैसे हमने पीछे वाले रिएक्शन में देखा था NaOH मिक्स किया था, फैट या ऑयल में जब आप एल्कली मिक्स करते हो तो आपको मिलता है, हीट करना पड़ता है थोड़ा सा, सोप और ग्लिसरॉल, यानी कि एक अल्कोहल मिल जाता है। दिस इज अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ सपोनिफिकेशन। अब सोप को कंसिडर करते हैं, डिटर्जेंट हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, सोप हमारे सिलेबस में। तो सोप मैंने बोला कि इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक तो आयनिक पार्ट है बच्चा, और एक जो है लंबी लॉन्ग हाइड्रोजन कार्बोनेट, सॉरी हाइड्रोकार्बन की चेन है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। इस चेन को मैं टेल बोलूंगी, क्या बोलूंगी, टेल, और आयनिक पार्ट को मैं हेड बोलूंगी।
अब प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन वाली चेन है इसको पानी पसंद है, ये हाइड्रोफोबिक होती है, और ये जो आयनिक पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी इसे पानी बहुत पसंद है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है उसे पानी तो पसंद ही, लेकिन ऑयल उसे चल जाता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड हेड जो है उसे पानी ही पसंद है। तो जब हम पानी के अंदर सोप डालते हैं, पानी के अंदर जब हम सोप डालते हैं तो ये जो टेल वाला पोर्शन है ये भागने की कोशिश करता है पानी से। क्या करता है? भागने की कोशिश करता है। भागने की कोशिश में ये स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है मिसेल। मिसेल मिसेल आर सोप क्लस्टर, सोप के बनाए हुए ऐसे क्लस्टर्स जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक टेल जो है इंटीरियर में होती है, टुवर्ड्स इंटीरियर, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है ये जो है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ वाटर होता है। आयनिक आयनिक हेड जो है वो पानी के सरफेस पे होता है क्योंकि उसे पानी पसंद है। तो टेल जो है पानी से भाग भाग के अंदर की तरफ चली जाती है कि मुझे यार पानी से दूर रहना है, और हेड जो है पानी से चिपका हुआ रहता है क्योंकि उसे पानी बहुत पसंद है। अब जब हम सोप को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है कि आपके कपड़ों पे जो भी गंदगी लगी है, ऑयल लगा है, ग्रीस लगा है, जो भी लगा है, इट इज अ बेसिकली अ फॉर्म ऑफ फैट। वो जो ऑयल या ग्रीस है वो इस मिसेल के स्ट्रक्चर के बीच में जाके अटक जाता है, हाइड्रोफिलिक टेल के बीच में जाके अटक जाता है। और जब हम कपड़ों को झाड़ते हैं, जब हम कपड़ों को झाड़ते हैं बच्चा, अब मिसेल बहुत सारे मिसेल बने पानी में, बहुत सारे मिसेल में बहुत सारे ऑयल के ड्रॉपलेट फंस गए, और जहां पे दाग होता है वहीं पे लगाते हो तो बहुत सारे मिसेल अच्छे से बन जाते हैं। जब आप झाड़ते हो या ब्रश से कपड़ों को रगड़ते हो तो वो मिसेल जो है लेके सोप बाहर हो जाता है, पानी के साथ बाहर हो जाता है, तो फिर हमारे कपड़ों की गंदगी मिसेल के साथ निकल जाती है। दिस इज हाउ आर क्लोथ्स गेट क्लीन। तो ये आपकी एनसीईआरटी में भी सेम ही दे रखा है, इसमें आपको ये सारी चीजें याद करनी है कि सोप के मॉलिक्यूल के दो कंपोनेंट, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफिलिक हेड। मिसेल जब बनता है तो हाइड्रोफोबिक टेल इंटीरियर की तरफ होती है जहां ऑयल का ड्रॉपलेट फंसेगा, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो बाहर की तरफ होता है पानी से इंटरैक्ट करते हुए, ठीक है। और ये मिसेल जो है सोल्यूशन में कोलाइड बनाते हैं, और आप ऐसे सोचोगे कि ये सारे मिसेल जो हैं ये पानी के अंदर चिपक क्यों नहीं जाते आपस में, नहीं, ये पानी के अंदर मिसेल जो है चिपकते नहीं है क्योंकि इनमें आयन आयन रिपल्शन चल रहा होता है। तो ये पानी के अंदर कोलाइड बनाते हैं लेकिन चिपकते नहीं है, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं, बाहर प्रेसिपिटेट बेशक बनता है, ठीक है। तो सोप मिसेल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट ऑल्सो, इसलिए आप देखते हो कि सोप सोल्यूशन जो होता है बड़ा क्लाउडी सा दिखता है क्योंकि उसमें लाइट स्कैटर हो जाती है। तो कुछ चीजें हैं मिसाइल से रिलेटेड जिन पे एक एक मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात ये आती है कि जब हम नहाते हैं तो दो तरीके का पानी होता है, एक खारा पानी होता है, एक मीठा पानी होता है। कई जगह है जहाँ पे खारा पानी आता है, कोस्टल इलाकों में फिर भी मीठा पानी आता है जिसमें सॉल्ट कंटेंट कम होता है। राजस्थान साइड, गुजरात साइड, हरियाणा साइड पानी में बहुत ही ज्यादा खारापन होता है। खारापन क्या है? सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जिस पानी में ज्यादा होते हैं उसे आप खारा पानी बोलते हैं। तो ऐसे हार्ड वाटर में जब हम सोप यूज करते हैं तो उससे झाग ही नहीं निकलता। इनफैक्ट जब हम इस हार्ड वाटर में सोप यूज करते हैं बॉडी पे तो वो स्कम बना लेता है, एक एक ना चिपकू चिपकू सी एक लेयर बना लेता है स्कम की, रेजिड्यू की लेयर। लेकिन जब हम शैम्पू यूज करते हैं तो वो झाग देता है, डिटर्जेंट यूज करते हैं तो झाग देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोप के अंदर या तो सोडियम सॉल्ट है या तो पोटेशियम सॉल्ट है। ये सोडियम और पोटेशियम पानी में हार्ड वाटर के मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम बनाते हैं। लेकिन डिटर्जेंट में क्या है? और पता है शैम्पू में भी डिटर्जेंट ही होता है। शैम्पू में क्या है? शैम्पू में है या तो सल्फोनेट या तो आपका अमोनियम सॉल्ट, लॉन्ग कार्बोक्सिलिक चेन विद अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट। ये नहीं हार्ड वाटर के मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके स्कम बनाते, इसीलिए डिटर्जेंट से झाग हार्ड वाटर में मिल जाता है, सोप से हमें स्कम मिलता है। नाउ बिफोर वी लीव दिस क्लास वी विल जस्ट फिनिश ऑफ विद दिस स्मॉल टॉपिक व्हिच वाज रिमेनिंग। पहले मैं सोच रही थी होमवर्क भी दूंगी पर फिर मैंने सोचा पढ़ा देती हूँ, ज्योग्राफी में तो पढ़ाया ही हुआ है। दो चीजें हैं, एक है कोल कैसे बनता है, एक है पेट्रोलियम कैसे बनता है। दो चीजें याद कर लेंगे, कोल के साथ हम याद करेंगे अर्थ यानी कि लैंड, पेट्रोलियम के साथ हम याद करेंगे सी।
देखो, जीव जंतु अर्थ पे भी हैं, जीव जंतु सी में भी हैं, मतलब कि लैंड पे भी हैं और सी में भी हैं। लैंड पे भी आपके पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, और सी में भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट। जब लैंड पे रहने वाले ट्रीज या एनिमल्स मर जाते हैं और उनकी बॉडी जो है धस जाती है जमीन के अंदर किसी भी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से, किसी की भी वजह से, जब उनकी मरी हुई बॉडी जो है मिट्टी के अंदर दब जाती है, बहुत सैकड़ों साल तक दबी रहती है, दबी रहती है, प्रेशर आता है, टेम्परेचर आता है, और प्रेशर और हीट की वजह से वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर कोल बन जाता है। ऑन दी अदर हैंड, समंदर में जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जब उनकी बॉडी सिंक कर जाती है, वो मर जाते हैं, उनकी बॉडी सिंक कर जाती है, वो समंदर की धरा पे मरे हुए गिरे रहते हैं, फिर ऊपर से और रेत आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, समंदर भी सैकड़ों साल पुराने हैं, वो रेत कॉम्पैक्ट होती रहती है समंदर के नीचे, वो रेत पत्थर बनाती रहती है, रॉक्स बनाती रहती है। सी बेड पे रॉक्स मिलते हैं ना आपको, उन पत्थरों के बीच में ये मरे हुए जीव जंतु जो है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनाते हैं, जिन्हें हमें सी बेड से निकालना पड़ता है। ज्योग्राफी में पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई हाई इज अ प्लेस नियर मुंबई जहां पे हम ऑयल और नेचुरल गैस निकालते हैं, राइट? तो दिस इज हाउ पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड कोल आर फॉर्म, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ कार्बन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। दिस वॉज योर एजुकेटर शुभम पाठक। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत मुश्किल से पीपीटी प्रिपेयर करके आपको ये पूरा लेक्चर साथ में पढ़ाया है, बीच में लाइट भी चली गई थी, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा था, बट एनी वे दैट्स माई प्रॉब्लम। यू प्रिपेयर एज मच एज यू कैन, और ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिए इनका आंसर मुझे कॉमेंट से